हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आपने देखा होगा कि कई बार आपके आसपास ऑफिस में या घर में लोगों को अचानक बहुत तेज़ नेज़ल ब्लीडिंग होने लगता है, यानी नाक से खून आने लग जाता है और एक साथ आपका चेहरा रेड हो जाता है, चक्कर आ जाते हैं, काफ़ी डिसओरिएंटेशन आप देखेंगे, काफ़ी परेशानी तकलीफ़ हो जाती है और एक मेडिकल इमरजेंसी डेवलप होती है। तो आज हम बात करेंगे कि नेज़ल ब्लीडिंग, नाक से अचानक खून आने का कारण क्या है और क्या संकेत है और ये कितना ख़तरनाक है, कितना ये इमरजेंसी है और हम इसको कैसे डील करें और कैसे समझें। तो सबसे पहली बात ये है कि नाक से खून आना, नक्की छूटना जिसे आप कह सकते हैं या ब्लीडिंग आप कह सकते हैं, इसके पीछे दो कॉमन रीज़न होते हैं। या तो आपको कोई इन्फेक्शन लाइक रेनाइटिस, जुकाम हो गया है, या फिर आपको हाई ब्लड प्रेशर है, यानी आपका बीपी अचानक तेज़ हो जाता है, या फिर आपने कोई बहुत ज़्यादा गर्म यानी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी या कुछ ऐसा खाया है, या बहुत ज़्यादा एक्सेसिव स्मोकिंग की है, या आपने कोई ऐसा नशा किया है कि जिससे आपका बॉडी का टेम्परेचर काफ़ी इंक्रीज़ हो गया है। तो आपको इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। कुछ और भी रीज़न हो सकते हैं नेज़ल ब्लीडिंग के, लेकिन मोस्ट कॉमन जो कॉज है वो आपका हाई ब्लड प्रेशर, एक्सेसिव स्मोकिंग या कोई भी नशा, और तीसरे लेवल पे आपका जुकाम यानी नेज़ल इन्फेक्शन, कोई इन्फेक्शन होने के कारण भी ऐसा हो सकता है। चौथा कारण जो जनरली दिल के मरीज़ या फिर जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, जो कि ब्लड को पतला करने वाली कोई दवाई लेते हैं, यदि आपने ज़्यादा डोज लिया है या फिर आपने लंबे समय तक अपने डॉक्टर से कंसल्ट नहीं किया है, आप हायर डोज ऑफ नेज़ल जो ब्लीडिंग है उसके पीछे रीज़न ये होता है कि कई बार बहुत ज़्यादा हम हायर डोज ऑफ इकोस्प्रिन और स्टेटिन लेते हैं, उसके कारण भी ऐसा हो सकता है, या फिर आपने कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पेन किलर लिया है, या फिर बहुत ज़्यादा आपने मतलब स्टीरॉयड लिया है, दर्द की और स्टीरॉयड की जो कैटेगरी है दवाइयों की, यदि वो आपने ओवरडोज किया है तब भी आपको नेज़ल ब्लीडिंग हो सकता है। तो इसके ये तो कॉज हैं, और सिम्टम्स में आपको ब्लीडिंग होगी, दर्द होगा, परफोरेशन होगा, ब्लैकआउट कई बार हो जाता है, कई बार आप गिर जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब इसको समझने के लिए फर्स्ट लेवल पे ज़रूरत है कि आप अपने सिम्टम्स को समझें, डॉक्टर से डिस्कस करें, आप ट्रीटमेंट लें। डॉक्टर के लेवल पर यदि उन्हें नहीं समझ आ रहा है, आपको फिज़िकली एग्ज़ामिन करके देख के, तो फिर इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं, जिसमें एक टेस्ट होता है ब्लड का, हम गाढ़ा पतलापन देखते हैं, PTINR, एक PNS नेज़ल एक्सरे हो सकता है, तो उससे एक क्लियर कट हमें एक पिक्चर आएगी कि ऐसा क्यों हुआ। बट इमीडिएटली उसमें यह है कि आप लेट जाएं, कॉटन लगा लें, या फिर आप देसी गाय का घी डाल सकते हैं, और यदि आपको लगातार ब्लीडिंग होती है तो फिर आपको एक नोज़ को पूरा टैप करना पड़ेगा। उसमें हम सोफ्रामाइसिन क्रीम के साथ एक पट्टी बैंडेज फिक्स कर देते हैं अंदर, जिससे कि ब्लीडिंग आपकी बंद हो जाती है, और डॉक्टर फिर आपको अकॉर्डिंग योर कंडीशन एंड द सिम्टम्स एंड जो इन्वेस्टिगेशन वो बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन दे देंगे, तो 3 डेज में ये प्रॉब्लम ठीक भी हो जाती है। लेकिन यदि आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो बीपी की दवाई इमीडिएटली स्टार्ट करें और बीपी अपना जाँच ज़रूर कराएँ। तो ये एक इसका एक तरीका है। प्रिवेंशन में यही है कि आप बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें ना खाएं, विदाउट रिकमेंडेशन ऑफ डॉक्टर पेन किलर का इस्तेमाल ना करें, अपने लेवल पे आप पैरासीटामोल या फिर डाइक्लोफेनिक सोडियम 50 mg पेन किलर ही इस्तेमाल करें, और यदि लंबे समय तक आपको कोई तकलीफ बनी रहती है तो फिर आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। कोई भी स्टीरॉयड विदाउट रिकमेंडेशन ऑफ डॉक्टर ना लें। तो ये सब कारण हो सकते हैं, इनको आपको हटाना होगा। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।